My colleague has filed ground reports from multiple locations of Delhi NCR on the continuous deterioration of AQI. Let's in fact listen in. देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सफेद चादर जो है प्रदूषण की वो नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा दिल्ली जो है वो प्रदूषण की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। लगातार लोगों को भी इससे दिक्कतें होना शुरू हो गई हैं, आंखों में जलन, गले में दर्द, इस तरीके की दिक्कतें जो है वो आमतौर पर जो आम आदमी है वो फेस कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली का AQI जो है वो 500 के पार जो है वो जा चुका है और लगातार स्थितियां जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ दिक्कतों का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। सर, आप लोग डेली, क्योंकि साइकिलिस्ट हैं आप, डेली निकलते हैं, टूर करते हैं दिल्ली का, और जिस तरीके से स्थितियां जो एक बार फिर दिल्ली में नजर आ रही हैं, हर साल इसी तरीके की परिस्थिति पैदा हो जाती है, क्या लगता है क्या वजह है इसकी? राइट नाउ तो खैर दिवाली है तो लोग थोड़े पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं, उस वजह से भी होता है। बट अदर देन दैट रेगुलरली भी अगर हम लोग देखें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही हाई रहता है। तो इट हैज़ टू बी, लाइक आई सेड बिफोर, इट हैज़ टू बी अ कंस्ट्रक्टिव प्लान जहाँ पे हम लोग प्रॉपर 5 years 10 years का प्लान करें एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करें सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ओवरनाइट तो ये नहीं होगा, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉबली थिंग्स विल गेट बेटर। क्या लगता है सर कितना इफेक्ट है ये जो आप लोगों पर कर रहा है, क्योंकि डेली निकलते हैं आप, वॉक करते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है? ये तो है ही ना, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी एट द एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो ह्यूमंस, तो हम लोग पे भी असर तो करेगा ही। बट देन अगेन लाइक आई सेड, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट लाइक ओवरनाइट वाइप आउट नहीं कर सकते हो। सो या वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्टे एज फिट एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स हम लोग ये रूट नहीं लेके कोई और रूट लें, लेकिन वहाँ पे भी इतना ही है पोल्यूशन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा है और दूसरे पूरी दिल्ली में एक ही हाल है। तो क्या लगता है सरकार जो है कर पा रही है, क्योंकि हर साल वही परिस्थितियाँ जो है वो पैदा हो जाती है? आई एम वेरी श्योर कि सरकार अपने साइड से तो कर ही रही है कुछ, ऑल दो हम लोग को शायद दिखता नहीं होगा जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, बट देन अगेन हमें नहीं दिख सकता है, लेकिन जिस तरीके से हालात है उनसे तो जाना जा सकता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप डेली साइकिलिंग करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, क्या लगता है क्या कुछ वजह है? वजह तो वही है पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस में भी प्रॉब्लम होती है, गले में भी थोड़ा लगता है, बट इनफैक्ट वही है, हर साल का काम है ये, ओवर द टाइम इम्प्रूव हो जाएगा। तो क्या लगता है सर कि सरकार की तरफ से वो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हर साल वही परिस्थिति जो है एक बार फिर दिल्ली वालों के आगे खड़ी हो गई है? आई एम श्योर कि लिए जा रहे हैं, बट ओवर द टाइम इम्प्रूव होगा, ओवरनाइट इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो आई एम होपफुल कि नेक्स्ट ईयर हम और सही AQI इंडेक्स पे खड़े होंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। सर, अगर कंपेयर करें तो पिछले साल से इस बार फिर से AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप लोगों को क्या कुछ चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है? लास्ट ईयर से तो बेटर है, बट स्टिल हम सेम लेवल्स पे ही हैं, तो आई एम होपफुल कि नेक्स्ट ईयर्स तक काफ़ी कुछ हम इम्प्रूव कर पाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से लोगों को इससे डील करना चाहिए या फिर किस तरीके से इससे बचा जा सकता है कुछ? मोस्टली तो अभी घर पे रह सकते हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं, अभी तो यही सब मेजर्स ले सकते हैं। One last thing I would like to add is before we become a developed nation, we have to become a developed citizen first. तो पहले अपने साइड से जितना हो सकता है वो प्रैक्टिस करें एंड बाकी ये सारी चीज़ें विद टाइम तो सॉर्ट हो ही जाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी होगी, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चिंता की बात है, लोगों में चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि जिससे तकलीफें जो है वो लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। As the national capital. Right, viewers, there you heard it. My colleague Arzu said they're speaking to people in India Gate. Meanwhile, we have a caller joining us at the moment. Her name is Saraswati. She's calling us from Mayur Vihar. Saraswati ji, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, नमस्ते, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? Actually, क्या है, मैं इधर 35 साल से दिल्ली में हूँ, ठीक है? But I never faced such a thing for past 60 years. This pollution is killing me, and I have an asthmatic patient. And my major worry is that water spray should be done, and throat only. And the farming fire is burning, it should be reduced a little. It should be carbon carbon farm's
Absolutely, ma'am. Absolutely, it is a big concern. I know. I hope you're safe. You just told us you have asthma. I hope you're safe, and I hope the air pollution in Delhi deteriorates and then people are able to breathe freely. We are able to go outside our homes. I know we've all now been forced to stay back at homes because of the air quality situation outside. But here's to hope that we see a better tomorrow. And we have taken a note of your question. Once we get a doctor with us live on the broadcast, I will propose that question to you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel. Hit the bell icon.